ताज़ा मामला लुधियाना के DMC हॉस्पिटल के बाहर लगियां रेहड़ियां दा है, जिथे कि एक जूस की रेहड़ी लगाउण वाले व्यक्ति ने जूस वाले दे उत्ते नाजायज़ तौर पर रेहड़ियां लगाउण दे दोष लाए ने। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं जगदीश पासवान ने दस्सिआ कि वह पिछले लंबे समय तो जूस की रेहड़ी ला के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, पर कुछ लोग उसकी रेहड़ी बंद करवा के अपने रेहड़ी लगाउणा चाहुंदे ने, जिसनू लैके ओह DMC दे विच दरखास्त भी दे चुका है, पर अजे तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उधर दूजे पासे जदों जूस वाले नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा आए दिन ही जगदीश पासवान ने उन्होंने खिलाफ झूठियां शिकायतां दिंदा रहिंदा है। वह पुलिस प्रशासन तो मांग करते हैं कि इस मामले की डूंगाई नाल जांच की जाए, बनती कार्रवाई की जाए। जगदीश पासवान हिबोवाल के वसनीक जी, मैं काफ़ी देर तो DMC के बाहर रेहड़ी ला रहा, पिछले एक साल तो इंचार्ज कश्मीरी सिंह जी आया है, वह सानू तंग परेशान कर लग गया। पहले असी इतने रेहड़ी लाता सीगा, तो इतों रेहड़ी चकवा के कहता इतने अगर रेहड़ी लाएगा तेरे परचा कर दूंगा। इतने रेहड़ी चकवा के फिर पवन जूस वाले दे रेहड़ी लगवाता कि पवन जूस वाले दे जो रेहड़ी लगवाता असी क्या ये रेहड़ी क्यों लगे जी, फिर साढ़े नाल कुटमार किया, जिहड़े मेरे को मेडिकल रिपोर्ट आ सारे कुछ आ, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई वो उत्ते नहीं करता। हाँ जी कश्मीरी सिंह इंचार्ज साहब ने बकायदा जेरे कल भी होया साडे नाल मेरे साली नाल होया ते कल भी कंप्लेन दित्ती, ओदे भी कोई कार्रवाई नहीं होया। हाँ जी पवन जूस वाले दुकानदार बंदा है, ओदे नाल रल के सारे कश्मीरी सिंह इंचार्ज ते पवन जूस वाले दे 15-20 बंदे रखे गुंडा। कारण ये है कि पवन जूस वाले चाहता कि ये जूस का काम इतने कोई बंदा ना करे, एक यही बंदा करे, ये नजायज दुकान भी नजायज कब्जा किया हुआ, इन्ना धक्काशाही करता हरेक बंदे नाल धक्काशाही करता, एक मैं बंदा हाँ कि रेहड़ी वाले बंदा आप दे गुजर बसर करता किसी तरीके मंग कर, मैं यही करता कि मैनू इंसाफ मिले जी, तो जे दोषी है उन्होंने उत्ते बनती कार्रवाई की जान। कल मेरे साली नाल भी धक्काशाही होया, मेरे नाल भी होंदा, राती भी रस्ता घेर लिया, लेकिन कोई कार्रवाई होंदा ही नहीं, सारे कुछ है इतने सामने कैमरा लगे जी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। कल कश्मीरी सिंह इंचार्ज साहब कहना तेरे बांह तोड़ दूंगा, मेरे को रिकॉर्डिंग भी है, और रिकॉर्डिंग भी दोनों दे देना मीडिया दे रहे, ठीक है जी। कल आ मुंडा एक हैगा वह सचिन करण गुल्लू की कहते रोहित, ये सारे ये कुरी के भी मगर पैंता है, ता भी कोई कार्रवाई नहीं करता। साथ भी धक्का सही हो रहा, कल कुर्सी चक्कर मेरे को मारा था, मैंने कुर्सी रोका है, उल्टे मेरे को धमकी देता, रात को रास्ता रोक लिया था, मुंह पे आके वीडियो बनाता है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग सारे कुछ है। हाँ जी की है, SHO सर के SHO सर ने भरोसा दिया है कि कल तेरा कार्रवाई करेंगे। कौन कुमार सिंह है, क्या जगदीश पासवान को जानते हो आप? हाँ जी हाँ जी, जगदीश पासवान मुरे DMC के आगे रेहड़ी लगाता है, पहले कुलचे छोले लगाता था, उन जूस की रेहड़ी लगाता है। मेरे को झूठी कंप्लेन देकर रोज हर महीने में 2-4 कंप्लेन झूठी दे देकर करके, जबकि मैं उधर जाता भी नहीं हूँ, वहाँ जाकर किसी से पता कर सकते हो कि पवन उधर जाता है, कभी नहीं मैं उधर जाता ना, कभी मुझे उससे बात भी हुई कि तू तो मेमी भी हुई उधर, सिर्फ मेरा नाम लेकर मेरा भतीजा रेहड़ी लगाता है उधर जूस वाली वो साथ में वो हटवाने के चक्कर में। उसका ये भी कहना है अभी मेरी रेहड़ी उठवाकर वो अपनी रेहड़ी वहाँ पर लगा, ऐसा कुछ नहीं, हम क्यों उठवाएंगे किसी का, हम तो कहते हैं सारी दुनिया कमाते खाते हैं, हंसी भी कमाते खाते हैं। उसका ये भी कहना है कि पुलिस की मिली भगत से आप ये काम, झूठी कंप्लेन हार जो कहीं किसी इंचार्ज के बाद कंप्लेन कर देना, कहीं कारपोरेशन वाले के खिलाफ, कहीं किसी के खिलाफ, जो कोई बोले जिसके पास सबके पास कंप्लेन करता रहता है, झूठी कंप्लेने आए थे हर रोज लोगों के साथ देता रहता है। आज मेरे को एक साल से मेरे को झूठी कंप्लेन दे दे करके परेशान है, असी भी दिया हुआ है कि मतलब हमारी इंक्वायरी की जाए, अगर इंक्वायरी में अगर जो कोई दोषी पाया उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसका ये भी कहना है उसकी साली के साथ छेड़छाड़ भी की जाती है, सारे को जी बोलता है, जितने बंदे हों किसी को लेकर, चाहे छोटा बच्चा भी हो उसको भी साली के साथ इल्जाम लगा देता है कि इसके नाले छेड़छाड़ किया। मैं तो आज तक उधर गया भी नहीं हूँ, मेरे को झूठी कंप्लेने फंसाने के चक्कर में कि झूठे पर्चा दूंगा तो लुधियाने में नहीं रहने दूंगा, झूठी धमकियां देकर यही सब कहता है जी मेरे को, ठीक है। आए दिन मेरे रोज जो परेशान करता है पुलिस में, रोज कहीं 8 नंबर बुला लेना, कहीं जगतपुरी चौकी बुला लेना, कहीं झूठी कंप्लेन देते देकर मैं परेशान हूँ इसे, मैं तो बहुत दुखी हो चुका हूँ जी, ठीक है। मेरे को इसमें प्रशासन से मांग करता हूँ कि मेरे को इसकी इंक्वायरी करके जो बनता कार्रवाई उसके खिलाफ या मेरे खिलाफ इंक्वायरी करके जो दूसरी उसको कंप्लेंट कर। असी HC गुरप्रीत सिंह DMC चौंकी तो ये दोनों तरह दरखास्त आईया है,
ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਲਈ ਟਿੰਕਾ ਜੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।